सेवा भी देता है। दिन भर मैंने तो करोड़ किए लड़कियों को और वो तो समान ब्याह शादी में देते वो ये कोई संस्था नहीं था और नौ तारीख वर्ग में किए थे जिनका खड़ा विश्वास उनका लड़का भी गया था और जिस विषय ने ये सोचा जो अपनी बच्ची का ब्याह जिनका खड़ा किया था बहुत खुशी बात है। और लेकिन हम देख रहे हैं कि स्वागत को हमें करना चाहिए था और आप लोग हमारा स्वागत कर रहे हो बहुत खुशी है। तो खैर हम लोग कैसे मिलते जुलते हैं बलराज जी कांटेवाल साहब से पता नहीं किस प्रकार ज़्यादा नहीं मैं प्रभावित हूँ। तो जो है ये मानव जागृति संस्था का कार्यक्रम का लगा था लेकिन आज कुछ समझ में आया कि क्या चीज़ है किस प्रकार का ये है और 600 अवस्था में है भी तो भी उसको फलने फूलने में निश्चित तौर पर समय लगेगा लेकिन जिस तरह से जो हमारे समर्पित जो महापुरुष एक प्रकार से होगा वो लगे हैं निश्चित तौर पर बड़ा बढ़कर से बनेगा। हमें सहयोग की जरूरत है। इस
मानवता के मिशन को देखकर हर एक साथी सर प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक सकता, वो तन मन धन के साथ इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाता है। झंडा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को वापिस होने धूपे में उन्हें उतार दिया, ये तो हमारे संस्थान बने हुए, तो संस्थान के अंदर हम वाचनालय को सारे बने, हमने एक झंडा बनाया है कि बात करते हैं कि हमारे इस प्रकार के संस्थान बने हुए, ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 10 राउंड के अंदर 20 पुस्तकालय में जुड़ रहे हैं, जहाँ पे अपने बहुजन समाज का पुस्तकालय है या वाचनालय इस प्रकार की व्यवस्था है और रोज का तो अपनी घोषणा भी कर दी है। आप विशेष स्वागत कि आपने यहाँ आकर के सबको भी इससे परिचित करवाया और सबको बताया कि आप किस तरीके से आप समाज की मानवता के लिए आप काम कर रहे हैं और उन सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी आपको जहाँ से आपको मिलकर आपकी मिलकर क्या जरूरत हो तो हम आपके साथ। सब जो युवा आज का युवा भटकाव की ओर बता रहे हैं लोग, इन युवाओं को आपके मार्गदर्शन में चाहता हूँ। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा, भटके हुए युवाओं को चाहे भटका हुआ समाज का कोई भी साथी हो, एक बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे साथ, क्योंकि हम ना उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 बोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 बोग, जहाँ भूखे नग्गे प्यासे तड़पते हुए सो जाते हैं लोग। आपके चैनल के माध्यम से भटके हुए उन युवाओं को, भटके हुए उन समाज बंधुओं को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, अगर आपको दान ही देना है तो रक्तदान दीजिए, अगर आपको दान ही देना है तो किसी मरते हुए को अंगदान देकर जीवन दान दीजिए, यही आपका सच्चा धर्म है और यही आपकी सच्ची मानवता जो मानव को मानव से जोड़ने का काम करती है।